सो जब भी गाइस आप लोग फ्री फायर को ओपन कर रहे हो देन फ्री फायर ओपन हो रहा है देन क्लोज हो जा रहा है कुछ इस तरीके से। एंड बेसिकली गाइस ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है एंड आप लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एंड उसी के साथ गाइस वीडियो को पूरा देखना होगा नहीं तो गाइस कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं मेरे साथ कैसा हो रहा है। तो अभी देखो मैं फ्री फायर को ओपन किया देन देखो गैरेना का लोगो आ गया देन अभी देखना जो कि देख सकते हो ऑटो क्लोज हो गया मतलब गाइस फ्री फायर के अंदर घुस ही नहीं पा रहा है। तो एंड गाइस ऐसा प्रॉब्लम आने के बाद जो कि आप लोगों को क्या कुछ करना होगा देन आप लोगों को जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही तरीका बताने वाला हूं। बात किया जाए जो कि गाइस ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है कौन सा गलती आप लोग करते हो देन आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोगों को गाइस जरूर पता होगा जो कि हम लोग को जो कि फोन के अंदर एक सेटिंग है जो कि डिवाइस स्कैनिंग करके मतलब गाइस आप लोग डिवाइस को स्कैन करते हो एंड क्लीन करते हो ठीक है। तो उसी के साथ में जो कि आप लोग को क्लीन करने के लिए जाते हो देन क्या होता है जो कि फ्री फायर का जो अटैच फाइल है वो डिलीट हो जाता है। मतलब गाइस अभी के टाइम में ऐसा हो रहा है क्योंकि गाइस जो कि जो एंड्रॉइड 11 एंड 12 का जो अपडेट है जिस फोन के अंदर तो उसी के साथ ही ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्योंकि गाइस वो मतलब फाइल को अटैच नहीं कर पाता है जो कि फाइल को डिलीट कर देता है अननेसेसरी डेटा मान के वो डिलीट कर देता है। तो आप लोगों को पता है फ्री फायर के अंदर ओबीबी फाइल है। तो बेसिकली गाइस ओबीबी फाइल को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोगों को क्या कुछ देखना होगा देन गाइस आप लोगों को पता लगेगा। मैं पहले ही गाइस आप लोगों को बता चुका हूं वीडियो को पूरा देखना होगा नहीं तो आप लोग कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एंड जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आप लोग भी वीडियो को देख लेना इन फ्यूचर आप लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होगा 100%। एंड गाइस जो कि हर एक फोन में तो नहीं होगा जो कि जिनका एंड्रॉइड 11 12 का अपडेट है वैसे फोन के अंदर जो कि गाइस आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस इसका सॉल्यूशन क्या है एंड सबसे पहली बात जो कि गाइस आप लोगों को कुछ मतलब चीजें देखना होगा मतलब गाइस आप लोग कुछ चीजें देखना होगा ट्राई करके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा एंड उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है जो गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे सेट कर देना। एंड काफी लोगों का जो कि ज्यादातर कमेंट आता है जो कि प्लीज भाई मैं जाना चाहता हूं ग्रैंड मास्टर मतलब गाइस अभी देखो मैं ग्रैंड मास्टर पे हूं एंड काफी लोग जाना चाहता है। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी मेरा देख सकते हो ये है तो आप लोग जाना मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना देन गाइस आप लोग डीएम करके बताना जब भी रैंक सीजन अपडेट होगा देन आप लोग को मैं लेके जाऊंगा जो कि ग्रैंड मास्टर ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखना ठीक है। सो गाइस बढ़ते अभी आप लोगों को वीडियो का मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले गाइस आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा जो फ्री फायर है जो आप लोग को होम स्क्रीन में शो होता है उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा। देन गाइस आप लोग को कुछ आई का ऑप्शन आ सकता है एंड ऐप इन्फो का ऑप्शन आ सकता है जो भी आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देना। तो उसके ऊपर जब भी गाइस आप लोग क्लिक कर दोगे थोड़ा सा इस तरीके से इंटरफेस आप लोग के सामने ओपन हो जाएगा। देन जैसे स्टोरेज का ऑप्शन आ रहा है देख सकते हो उसके ऊपर आप लोग क्लिक करना होगा। तो स्टोरेज के ऊपर जब भी गाइस आप लोग क्लिक कर दोगे तो इधर से आप लोग दो ऑप्शन नजर आ जाएगा। सबसे पहले जो कि क्लियर कैचे एंड क्लियर डेटा जो कि आप लोग को दो नंबर ऑप्शन के अंदर जो कि क्लियर कैचे शो हो रहा है तो क्लियर कैचे एक बार आप लोग को कर देना होगा। देन गाइस इधर से बाहर आ जाना होगा। देन गाइस आप लोग को क्या करना होगा तो देन बाहर आने के बाद आप लोग को करना क्या होगा जो कि सबसे पहले आप लोग को फोन का स्टोरेज के अंदर जाना पड़ेगा। तो फोन स्टोरेज किधर मिलेगा मैं आप लोग को बता देता हूँ जो कि आप लोग को जो फाइल मैनेजर है जो कि उसके अंदर ही गाइस आप लोग को जाना होगा जो कि माई फाइल करके शो हो रहा है। मेरा सैमसंग फोन है अदर्स फोन में कुछ डिफरेंट टाइप का शो होता है। तो एंड इधर से देख सकते हो इंटरनल स्टोरेज मतलब गाइस आप लोग फोन का जो स्टोरेज उसके अंदर जाना है। इधर से एंड्रॉइड फोल्डर शो होगा तो एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर ही जो कि काम है। तो एक बार और मैं आप लोग दिखा देते देख सकते हो इंटरनल स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना होगा। देन जैसे एंड्रॉइड फोल्डर शो होगा तो एंड्रॉइड फोल्डर के ऊपर क्लिक करना होगा। देन जैसे आप लोग को ओबीबी फाइल शो होगा तो ओबीबी करके एक फाइल उसके ऊपर क्लिक करना होगा। देन कॉम डीटीएस फ्री फायर मैक्स करके एक आप लोग को फाइल शो होगा तो कुछ इस तरीके से फाइल शो होगा। देन इसके ऊपर क्लिक करना होगा। देन जैसे देख सकते हो एक फाइल शो हो रहा है तो इसका एमबी मैं आप लोग को दिखा देता हूं कितना एमबी होगा। तो जैसे डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद तो देख सकते हो इसका एमबी कितना है क्योंकि 500 के ऊपर एमबी रहेगा 560 MB ऐसे कुछ होगा ठीक है। तो ये जो फाइल है तो एंड इसको गाइस आप लोग सबसे पहले चेक करना बनता है जो कि गाइस अगर ये फाइल नहीं शो हो रहा है तो आप लोग को करना क्या होगा। तो एंड उसी के साथ गाइस स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखो ये आप लोग को शो हो रहा है तो भी नहीं हो रहा है तो भी आप लोग को एक प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको भी देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो उसके साथ गाइस आप लोग को क्या करना होगा जो कि एप्लीकेशन वगैरह काफी लोग इंस्टॉल करता है ठीक है गलत एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है देन गाइस जो कि फ्री फायर पे डिटेच हो जाता है। तो एंड गाइस वो एप्लीकेशन वगैरह आप लोग को अनइंस्टॉल करना होगा। देन आप लोग कुछ फाइल वगैरह यूज कर रहे हो तो उसको भी डिलीट करना होगा। एंड उसी के साथ फाइल कौन सा फाइल की बात कर रहा हूँ क्योंकि फ्री फायर के अंदर कोई फाइल वगैरह घुसाए हो तो मेरा यूट्यूब का वीडियो देखे आप लोग पता है हैक वगैरह कुछ होता ही है ना तो ऐसे क्यों तो आप लोग उसको डिलीट करना होगा। देन आप लोग को प्ले स्टोर को ओपन करना होगा तो प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद इधर से आप लोग को फ्री फायर को सर्च करना होगा। FF का सर्च करने से जो कि फ्री फायर आ जाता है
आप लोग पता है, तो ऐसे देख सकते हो फ्री फायर सर्च करना होगा, देन इधर से मेरा अनइंस्टॉल एंड जो कि ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग का अपडेट अगर ऑप्शन आ रहा है तो इधर से सिंपल से आप लोग को फ्री फायर को अपडेट करना होगा। एंड उसके बाद फाइनल पोजिशन जो कि मेन बात है, जो कि इंपॉर्टेंट, इसको ही गाइस आप लोग करना होगा, जो कि फोन का आप लोग को पावर बटन को आप लोग को लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। जब भी करके रखोगे तो आप लोग को रिस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि फोन का रिस्टार्ट का ऑप्शन। घबरा मत, आप लोग का फोन का मतलब स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिकली फोन ऑन हो जाएगा। जब भी आप लोग रिस्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आप लोग कुछ भी डेटा वगैरह क्लियर नहीं होगा। एंड उसी के साथ तब भी गाइस आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आप लोग को सिंपल सा फ्री फायर को अनइंस्टॉल करके देन गाइस आप लोग फ्री फायर को इंस्टॉल कर लेना। एंड अगर गाइस आप लोग फोन में फ्री फायर मैक्स नहीं चलता है, तो गाइस आप लोग फ्री फायर खेलना चाहते हो, तो गाइस आप लोग बताना कॉमेंट करके, मैं फ्री फायर को डाउनलोड करने का तरीका मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड आप लोग का अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मुझे कॉमेंट करके बताना होगा, जो कि गाइस मुझे भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए भी आप लोग बता देना। सो गाइस मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।